हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज फिर से जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल बारिश का माहौल बन चुका है यार। हम परेशान हो गए भाई गॉड यार, बारिश से। इतनी बारिश है ना दोस्तों, अब क्या ही बताया आपको यार। अभी ये देखिए दोस्तों, अब मैं अभी अभी उठा हूँ, पापा मुझे उठाने आए थे क्योंकि बारिश हो रही थी दोस्तों। ऐसे में कुछ काम नहीं होने का, तो मैं लेट ही उठा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने ये क्या पहना है, तो इसे हम अपने भाषा में कहते हैं लोइया या चोली होती है। और इसे जो तैयार किया जाता है, ये किया जाता है ऊन के, जो ऊन होती है ना दोस्तों, भेड़ी वाली बाल, भेड़ियों के बाल, उनके बालों से इसे तैयार किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसे पहाड़ों में ज़्यादातर अधिकतर इसे पहना जाता है। इधर जौनसारबा और हिमाचल में इसे पहना जाता है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता दोस्तों पहनते या नहीं पहनते। इधर ज़्यादातर इसे पहनते हैं क्योंकि जब सर्दी का टाइम आता है या ठंड होती है ना, तो उस समय इसे पहना जाता है। दोस्तों जो आज मौसम हो रहा है ना, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बारिश के मौसम से। और मैं आपको अगर बैक का व्यू दिखाऊँ ना, आप चौंक जाओगे। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे, बिल्कुल जो बादल आप देख पा रहे हो, बादल बिल्कुल नीचे है डाउन में। ये देखिए, देख रहे हो दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए इधर का मौसम कैसा है। तो यार बारिश के मौसम में बाकी तो दोस्तों ठीक है, बट कुछ काम नहीं किया जा रहा और घर में ना बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। और फ़ोन भी कब तक चलाए, फ़ोन चला चला के 2 GB डाटा उड़ जाता है, उसके बाद क्या करें दोस्तों। उसके बाद ऐसे फालतू में बैठा रहना पड़ता है। वरना दोस्तों यदि मौसम ठीक होता तो आज तक मैं बगीचे का काम कम्प्लीट कर देता, बट मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, अब क्या करें। ऐसे में बताए जाए तो जाए, कहाँ जाए। भगवान थोड़ा तो रहम कर लो, क्योंकि दोस्तों अब घास काटने का भी टाइम आ रखा है। इसके बाद कुछ टाइम बाद घास काटना स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्दियों के लिए जो हमारे एरिया में वो घास को काटा जाता है, ताकि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है उस समय हम वो जो सूखा हुआ घास है वो अपने जानवरों को खिलाते हैं। यार अगर ऐसा ही रहेगा तो पूरा घास सड़ जाएगा हमारा जो घास है, तो क्या करें अब, आप ही बताओ। अब कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। अब इसे रोकने के लिए हम करें तो करें, क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। और बाकी इधर देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा जो बगीचा है ना, ये अभी साफ करने के लिए इससे भी ज़्यादा 3-4 हिस्सा परले साइड है, परे को है, परे से नीचे को भी है। और उसके बाद दोस्तों ये जो घर के ऊपर देख रहे हो ना, ये पूरा जाएंगे, पोल भी है लगा हुआ इसके बगल में, और घर से घर के पीछे भी है दोस्तों साफ करने के लिए, ऊपर भी है। क्या बताए दोस्तों, बहुत काम है यार अभी, बट मौसम साथ नहीं दे रहा। और मौसम अगर ऐसा ही रहा तो दोस्तों इस बार काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी सभी लोगों की, जितने भी रहते हैं, यस मतलब जितने भी जिन लोगों ने दोस्तों घास काटना है, क्योंकि प्रॉपर इधर जौनसारबा और हिमाचल इधर सब जगह घास काटा जाता है। मतलब घास दोस्तों वहाँ वहाँ काटा जाता है जहाँ पहाड़ियाँ, पहाड़ी क्षेत्र होता है, जिन लोगों के जानवर होते हैं ना, वो लोग ज़रूर घास काटते हैं। क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो उस दौरान अब जब बर्फ़ होगी दोस्तों, तो जब माइनस में टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, तो उस समय हाथ भी जाम हो जाते हैं अगर आप बाहर आते हो, पत्ती नहीं काट सकते। फिर वैसे सिचुएशन में जो घास होता है हमारे घर के नज़दीक ही रहता है, जो हम काट के रखते हैं, तो बगीचों से काट के रखते हैं, तो वो घर के नज़दीक ही हम लगा देते हैं, ताकि वो जब हम सर्दियों में काम आ जाता है दोस्तों, जब बर्फ़ पड़ता है तो हम जाते हैं कुछ टाइम के लिए घास लेके आते हैं, फिर अपने जानवरों को खिला देते हैं। और देख रहे हो दोस्तों यहाँ त्यूनी तो पूरा डूब चुका है बादलों के नीचे, ये देखिए। और ये दोस्तों काफ़ी गर्म होता है, इसलिए मैंने इसे पहना है। और क्योंकि मेरे पास हाफ बाजू की टी शर्ट है, तो मैंने सोचा क्योंकि पहन लेता हूँ, बीमार हो गया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, त्यूनी कौन जाए। तो दोस्तों अब मौसम तो अच्छा लगता है दोस्तों बारिश वाला ना, बट मेन दिक्कत क्या होती है कि बारिश में कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। अब इधर पहाड़ों में तो होता ही है दोस्तों, अब खेतों में जाना है, गाय के लिए घास लाना है, हमारे पास जानवर भी है उनको घास देना है। आज हमारे गाय के जगह पे कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अभी अंदर ही है, ऐसे बारिश में उन्हें बाहर बांधना अच्छा नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों वेदर। और बाकी दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, आप सभी लोग ना यार प्लीज़ मेरी जो वीडियोस है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप सभी लोगों के बीच में इतनी मेहनत से बनाता हूँ, आपके एक लाइक करने में या शेयर करने में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका पूरा नेट ख़त्म नहीं हो जाता है।
और सपोर्ट कीजिए दोस्तों यार, हम आपके बिगैर कुछ भी नहीं है। यदि आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यार सपोर्ट कीजिए भाई का भी। और काफ़ी लंबे टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से इस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यार मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। तो यार वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ना डेली मतलब एक हर चीज़ से मैं रूबरू करवाता हूँ कि पहाड़ों की लाइफ किस तरीके से होती है, क्या क्या लाइफ, क्या क्या स्ट्रगल होता है पहाड़ों की लाइफ में, और अदर चीज़ें भी। अगर मैं कहीं सिटीज़ में रहता हूँ तो वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देने की करता हूँ। यानी कि कुल मिला के दोस्तों सीखने वाली बात मैं आप सभी लोगों को देते रहता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या बताऊँ यार, मैं सुबह से लेकर बारिश हो रही है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो सो के परेशान हो गए घर पे, और जैसा कि आप सभी लोग अभी वेदर देख रहे होंगे, आपको हल्की हल्की बूंदाबांदी अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर हो ही रही है। तो दोस्तों बारिश अभी हो ही रही है जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, वेदर बिल्कुल बहुत ख़राब हो गया है यार, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, परेशान हो गए यार। कल भी बारिश थी दोस्तों, आज भी बारिश है, पिछले दो तीन दिन से बारिश लगातार हो रही है, मतलब एक दिन का गैप भी नहीं है, मतलब सुबह से शाम तक बीच में कुछ काम करने का मौका ही नहीं दे रही। तो ये देखिए दोस्तों यार इस तरीके से, आगे को ले चलते कुछ आगे की ओर दिखाते हैं। और यार अब क्या बताएं दोस्तों, परेशान हो गए, अब करे तो करे भाई क्या करे। अब दोस्तों मौसम भी साफ नहीं है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कैसा गिल्ला गिल्ला सा है, बारिश हो रही है, तो ऐसे गिल्ले में तो क्या होगा काम, आप बताइए। खोदोगे तो दोस्तों ये बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ है, ये ऐसा नहीं है कि कोई पत्थरीली मिट्टी होती है ना, मतलब जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं तो ऐसी मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए मेरा सुंदर सा गांव, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, और ये रहा सामने खाली एरिया, यहाँ पर बहुत लोग अपने बकरियाँ वगैरह चुगाने के लिए भी ले जाते हैं। ये वाला देखिए दोस्तों यहाँ पर घास कितना है, क्योंकि ये भी अभी साफ़ करने के लिए, ये है हस्पर का बगीचा अर्ली ब्राइटी। और ये देखिए ये है मेरा गांव, सुंदर सा गांव, देख रहे हो दोस्तों क्या खूबसूरत लोकेशन है। और इधर आप जगह जगह देख पा रहे होगे दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव में ना जगह जगह लोग रहते हैं अपने अपने बगीचे पे, जहाँ जहाँ लोगों का बगीचा है वहीं पर लोग अपना घर बसा रखा है लोगों ने। और ये रहा सामने कुला, और इधर को रहा मुंदोल, और बाकी बादलों के नीचे रहा त्यूनी। तो दोस्तों आप सभी लोगों के बीच मैंने ब्लॉग, जो आज का दिन था उसका ब्लॉग दिया, आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो, क्योंकि अच्छा तो दोस्तों बारिश ही हो रही है, बाकी क्या एक्टिविटी दिखा सकते हैं आपको, बिल्कुल बारिश ही बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, अपने कमेंट लिखिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से पसंद है, अपनी पसंद बताइए, सजेशन बताइए कुछ कि मैं क्या गलती करता हूँ, आप ज़रूर बताइए यार प्लीज़, अपना छोटा भाई समझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर लिखे। बाकी मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे न्यू ब्लॉग के साथ।